सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल हितेश मीना व्लॉग्स। सो गाइज, अभी मूड तो नहीं था ऐसा कुछ आज व्लॉग लेने का, लेकिन मैंने सोचा कि जा रहे हैं तो कंटेंट निकल जाएगा। तो फॉरेस्ट घूमने जा रहा था गाइज मैं आज, काफ़ी दिनों बाद। टेम्परेचर काफ़ी अच्छा हुआ था, वैसे नॉर्मली -10 to -15 चल रहा था काफ़ी दिनों से, अभी आज जाके कम हुआ है थोड़ा। कल तो +2 भी हो गया था, आज और भी ठीक हुआ है, -2 -3 के आसपास है, तो थोड़ा घूमने लायक हो रहा है मौसम। बाकी तो फॉरेस्ट की साइड जाते हैं, देखता हूँ आज कैसा है, यहाँ का दिखाता है फॉरेस्ट आपको कैसा है। यूसुफ भाई भी है मेरे साथ, तो आ रहा है पीछे पीछे। तो गाइस अभी फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे जो पहले था ना, काफ़ी पेड़ वगैरह कुछ थे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा इन्होंने सामने से काफ़ी कुछ पेड़ काट के थोड़ा साफ सा कर दिया, लेकिन अंदर से वैसा ही होगा। बाकी तो यूसुफ भाई, एग्जाम सीजन चल रहा है भाई, कैसा मूड है भाई? कौन आ गया अंकल जी बीच में अचानक से? क्या बताया, बहुत टेंशन है, क्या ही करें। तो टेंशन में घूमने क्यों जा रहा है तू? क्या करें ना, एग्जाम तो देना चाहते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी बोल रही है क्या आराम से दे देना। तो तुम आराम से, तुम आपकी यूनिवर्सिटी है गाइस, यूनिवर्सिटी से थोड़ा होल्ड एग्जाम्स पे अभी, इस वजह से। एग्जाम्स तो क्या है, चलते रहते हैं गाइस, हो जाएंगे सब। सो गाइस, सामने है ना, इधर भी काफ़ी पेड़ वगैरह हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया अंदर। देखो काफ़ी पूरे पेड़ काट के अंदर कंस्ट्रक्शन भी चालू है, तो आई थिंक कुछ बना रहे होंगे, तो इन्होंने यूज़ कर लिया लैंड इधर का। गाइस हम पहुंच चुके हैं फॉरेस्ट में और चारों तरफ पेड़ ही पेड़। 100-200 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन ये पेड़ कटवा दो भाई। ये सब भाई तो ऐसा है ना कि जैसे इसको कहीं पे घूमने ले जाओ तो ऐसे भागता है ना आगे आगे कि जैसे तो कोई प्रेजेंट लगाने आया हो। भागा भागा गए, फटाफट आ जाएगा अभी। ऐसे कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा पैक कर दिया इधर साइड में। सो गाइस, इन्होंने फॉरेस्ट के अंदर से ब्रिज बना रहे हैं अभी, देखो पूरा। ये आंटी देखो टावर को लेके जा रही है। तो गाइस अभी पूरा पहुंच गए थे इसके इधर, फॉरेस्ट के इधर, लेकिन थोड़ा अलग ही है, मतलब इन्होंने पूरा चेंज कर दिया ना। लास्ट टाइम साल भर पहले आया था, ऑलमोस्ट पूरा चेंज था जब, अभी तो इन्होंने कुछ अलग ही कर दिया। देखो चारों तरफ कंस्ट्रक्शन, और ये पहले ऐसा नहीं था गाइस, पहले अलग था, मतलब इधर पूरा पेड़ ही पेड़ भरा हुआ था, पूरा चेंज करके रख दिया इन्होंने। यूसुफ भाई कितना बदलाव लग रहा है भाई साल भर में? बहुत ज़्यादा, लग ही नहीं रहा फॉरेस्ट पे। ब्रिज ब्रिज बना दिया देखो। सो गाइस एक छोटा सा स्पॉट क्या मिल गया भाई, उस पर इतने परेशान होके गए ना, देखो पैरों में पूरा पैर गीले हो गए, पूरे बर्फ बर्फ अंदर चले गई, लेकिन फिर भी फोटो खिंचाना है ना, तसल्ली नहीं है, फोटो खिंचानी है, भले से कुछ भी हो जाए, पैर टूट जाए, फोटो खिंचानी है। सो गाइस देख रहे हो आप पोज, देख रहे हो भाई का? ओ भाई गजब, अद्भुत फोटोग्राफी स्किल्स, खतरनाक, मतलब गिरने को हो रहा है लेकिन हंसी नहीं जा रही चेहरे से, फोटो आनी चाहिए। सो गाइस चारों तरफ आप देख रहे हो बर्फ ही बर्फ, और मैं आ गया जंगल की ऊंचाइयों पे, और ये दे रहा हूँ मैं पोज। यूसुफ भाई ने खींच दी मस्त मस्त अच्छी अपनी अच्छी अच्छी फोटोज। अभी निकलते हैं यहाँ से और आगे जाते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको, ठीक है? सो गाइस ये तो इसकी पूरी फोटोग्राफी लगा रहा है यूसुफ, पूरा घुमा रहा है भाई, और स्लो लेगा क्या भाई? वो देखो ले भी कुछ नहीं रहा फोन में। सो गाइस पूरा फोटोग्राफी वगैरह हो गई है, काफ़ी फोटोज़ खींच लिए हमने, अभी निकल रहे हैं यहाँ से, और कुछ रशियन लोग भी हैं जो पोज दे रहे हैं आगे, दिल विल बना के फ़ोटो खींच रहे हैं, काफ़ी है, मज़ा आ रहा है। लेकिन धीमे धीमे स्नोफॉल भी हो रहा है, आपको दिख भी रहा होगा, मेरे ऊपर आ रहा होगा थोड़ा, ये पीछे एक साइड थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है बिल्कुल। सो गाइस ये देखो, ये इन लोगों का अलग ही शौक रहा था। देखो ये आपने इंडिया में तो क्या है, ऐसा इतना कोई शौक नहीं है कि लोग आएंगे, कितनी मेहनत करी है, मतलब देखो इधर पूरे से बर्फ उठाई है उसने, यहाँ लगाई है, ऊपर लगाया है, इसकी आँख वाँख बनाई है, प्रॉपर देखो प्रॉपर शेप में नाक बनाई है, ये मुंह बनाया है। और हमको क्या है, थोड़ा इंडियन लोगों का क्या अलग ही रहता है रुतबा ना, अपन क्या करते हैं ऐसे हाथ लेते और ऐसे करते हैं। तो सो गाइस देखो अब यूसुफ ने उसके हिसाब से कुछ तैयार करने की कोशिश कर रहा है यूसुफ, आ देखो क्या शानदार भाई साहब, गजब शानदार। ये पहले से भी अच्छा लग रहा है यूसुफ, पहले इतना अच्छा नहीं था कसम से।
यूसुफ यूसुफ इसको एक बार बीच में से भी आधा कर, फिर अपन फिर से जोड़ के चलेंगे। हाँ बीच में से एक बार आधा कर, जैसे हो सकता है पॉसिबिलिटी। अरे बीच में से भाई, बीच में दे, बीच में मार, बिल्कुल फ्रंट में। चल रहने दे, रहने दे, छोड़ दे। सो गाइस वैसे ऐसा है कि ये कभी कभी इंजॉयमेंट के लिए अच्छी लगती है, पर बाकी इतना नहीं है, रेगुलर बेसिस पे अच्छी नहीं है। जैसे अपने इंडिया में है कि हाँ भाई देखने का मन हुआ तो घूम लिए, जम्मू कश्मीर जाए, बस उतनी ही अच्छी है। परमानेंट बेसिस पे बिल्कुल इंडियंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, वो नहीं इतना सहन कर सकते। अभी तो बस ऐसा है कभी कभी घूम लिए बाहर। समर्स काफ़ी अच्छा रहता है रशिया का, विंटर से तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन अभी जो भी है भाई, अपने को यहाँ पे अपना टाइम निकालना है, पूरा 6 साल कंप्लीट करना है, उसके बाद तो क्या ही करना है अपने को यहाँ पे। देखो एक और स्नोमैन मिल गया हमको। ये बहुत स्लिपरी रहता है भाई विंटर्स के टाइम पे, यहाँ पे नहीं आना चाहिए भाई, ऐसे बहुत स्लिपरी रहता है अभी। सो गाइज ये यहाँ पे जब समर्स होते हैं ना, तो यहीं पे आता है सासलिक वासलिक करने। ये इधर स्टूल्स वगैरह लग रहे हैं, तो इधर अंदर बैठ के पूरा फिगल जाएगा। अभी कुछ दिनों बाद आएंगे सब लोग, हमारा भी मे बी प्लान बन सकता है। देखो पूरा फॉरेस्ट, और मतलब काफ़ी लंबी लाइन है, उधर का थोड़ा साफ कराया, बाकी ये एरिया तो पहले की तरह ही है। फॉरेस्ट पूरा आगे तक जाओ, पूरा कॉर्नर तक मतलब हाईवे से कनेक्ट कर रहा है ये। देखो भाई क्या मस्त पेड़ है बड़े। चलते टाइम मैंने थोड़ा टाइम लैप्स चला लिया था, तो काफ़ी लंबा खिंच गया वो। अभी निकल रहे हैं दोबारा घर के लिए। मतलब ऐसा है कि अभी विंटर्स में वही है, ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ तो होती नहीं है, लोग भी कम ही आते घूमने, बहुत ही कम लोग मिले जो घूम रहे थे, इतना ही है बस फॉरेस्ट का। तो बाकी ठंडी बढ़ गई है, अभी थोड़ा कम था पहले, फिसल भी बहुत रहा है, पैर स्लिपरी हो रहा है, टेम्परेचर कम हुआ है इस वजह से थोड़ा, बाकी काफ़ी अच्छा है, मज़ा आता है फॉरेस्ट में। ये देखो दिल जलने दो, फुल फुल मतलब बिल्कुल ब्रेकअप सॉन्ग्स में चल रहा है भाई। वैसे ऐसा कुछ है नहीं गाइस, कभी कुछ था ही नहीं, तो ब्रेकअप तो क्या ही होगा, लेकिन थोड़ी हवाबाजी बस, कोई नहीं गाइस चलते हैं, अभी काफी सर्दी है भाई। गाइस कह रहा है मेरे को ये वाला पार्ट मत डालना, तो अब आप इस पार्ट को देखोगे जरूर, ठीक है, या फिर एक क्लिप ऐसी है जिसके लिए इसने मना करा है, तो कट जाए तो पूछना आप कमेंट में कि क्या था, तो फिर यही जवाब देगा आके, ठीक है। बाकी गाइस मैंने कभी एक स्टडी मिनी ब्लॉग डाला है, नाइट स्टडी, वो जरूर देखना, आरंभ है प्रचंड है, आरंभ है प्रचंड, MBBS मोटिवेशन गाइस, तो जाके जरूर देखो। नाइट स्टडी का डाला था मैंने, रात को बैठा था मैं, पढ़ रहा था थोड़ा, ऋषिकेश भाई भी पढ़ रहा था मेरे साथ में, ग्रुप स्टडी में थे। सो गाइस रशिया का विंटर है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, कभी कभी अच्छा लगता है सही में। अभी मैं फॉरेस्ट से घूम के गया था जब थोड़ा एनर्जेटिक था, आते आते तो ऐसी हालत होगी कि बस कब पहुँचे, बस अब ऑलमोस्ट पहुँच गए, लेकिन इन्होंने जो जंगल काटा था पूरा उस साइड तो आ गए। ये पीछे देखो काम भी चल रहा, इनके पता नहीं फर्क नहीं है, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या ही खाते हैं, ऐसा पैदा होते ही तो एनर्जेटिक, ऐसी ठंडी में ज़्यादा चला नहीं जा रहा, ये काम कर रहे हैं, और चलते चलते पैर और फिसल रहा है। कोई नहीं गाइस, और कुछ था ही नहीं आज का, इतना ही कंटेंट था, अभी बस मांगनी तोड़ जाना सामान लेने, उसके बाद तो हॉस्टल में जाएंगे और मस्त सोएंगे फिर। तो गाइस ऐसे मौसम में भी देखो मिट्टी देखने को मिल गई, और ये प्रॉपर
कंस्ट्रक्शन देखने ही आ गए। देखो इतने मतलब इतने ठाले है ना कि अभी कुछ काम नहीं था तो कंस्ट्रक्शन देखने यहाँ पे आ गए कि कैसे जेसीबियां चलती है। देखो गाइस, ओ भाई ये तो पूरी वैल्यू खत्म कर दी हुंडई की। यूसुफ भाई हुंडई की जेसीबी। ओ गाइस ये इंडिया में हवाबाजी करते हैं बस क्रेटा व्रेटा ला के। ये देखो यहाँ पे हुंडई की जेसीबी चलती है। देखो भाई काम चल रहा है पूरा प्रॉपर पुलिया। तो गाइस मजा आ रहा है इसी यही देखने मजा आ रहा है। ओ भाई देखो कुछ नहीं मिला कंस्ट्रक्शन देखने आ गए। सो गाइस फाइनली आप लोगों की इतनी दुआएं और इतनी मेहनत के बाद आज फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। रशिया में भी गाइस अपन ने जमीन ले ली है और कुछ क्लिनिकल डिपार्टमेंट और हॉस्टल नंबर 5 का काम चल रहा है। एक बार इधर आ जाइए। तो गाइस ये देख लो आप इधर की साइड पूरा बनेगा हॉस्टल, ठीक है, और इधर बनेगा एनाटॉमी डिपार्टमेंट तो चलो मजाक मस्ती थी लेकिन सही में हम रास्ता भूल गए थे। तो फाइनली अब हमको रास्ता मिला है गाइस। ये देखो इधर से उसने बताया था कि इधर जाके और अभी रास्ता देखो अभी दिखेगा इधर। हाँ देखो फाइनली ये इधर छोटा सा रास्ता था हमको दिख नहीं रहा था तो उन्होंने बताया कि इधर रास्ता है। और गाइस यूसुफ भाई ने गाड़ी खरीद ली है। यूसुफ भाई ये गाड़ी का क्या नाम है जो आपने खरीदी है? हाँ गाइज ये एम्बेसडर बोल रहा है लेकिन इसका नाम कुछ और है और कुछ ही दिनों में सोलेरिस भी खरीद लेंगे। तो गाइज अभी आ गए देखो पाव भाजी की प्लानिंग चल रही है शाम को। भाई कितने के भरेगा? मोटी चैन मोटापा सा। लो भाई ब्रेड होगी। लो भाई देखो भाई आप सामान तो देखो मतलब भावताल ही भूल गया मैं तो इंडिया में क्या मम्मी लोग क्या भावताल करते। अबे देखो अभी क्या क्या बोलते हैं इसको बनस्पति है ना। अबे बनस्पति देखो 219 रुपये किलो इंडिया में मैक्सिमम 40 बोल देता है तो उसमें भी अपने यार नहीं नहीं 30 लगा दे बोले। अरे चलने देना गाइस वोडाफोन पूरा इंडिया का वोडाफोन ही सिम चला रखा।